हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम एजुकेशन में। तो डियर स्टूडेंट, ये है क्लास टेंथ का प्रश्नावली 1.2 का तीसरा सवाल है। तीसरा का पहला सवाल है, सवाल कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तीसरा का दूसरा सवाल है 17, 23 और 29, इसका हमें सॉल्व करना है। ये बहुत ही आसान है, आसान तरीका से हम बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 17, 23 और 29 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, 17 अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये 2 से 3 से 4 से 5 से नहीं कटेगा, तो हम इसे डायरेक्ट 17 से कटा देंगे। 17 से कटा देंगे, एक आ जाएगा। 23 है, 23 को भी कटाएंगे उसी तरह। और यहाँ पे 29, इसे भी 29 से कटा देंगे, एक आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 17। ठीक है, 17 गुणे 1 23 बराबर 23 गुणे 1 29 बराबर 29 गुणे 1। ठीक है, अब पूछ रहा है एच सी एफ और एल सी एम ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एच सी एफ देख लेते हैं। तो देखिए एच सी एफ 17, 23 और 29 बराबर, इसका जो एच सी एफ होगा देखिए 17 में भी एक है, 23 में भी एक है, 29 में भी एक है, तो हम एच सी एफ क्या करेंगे, एक लिख लेंगे, क्योंकि तीनों में सेम संख्या यही मिल रहा है और बाकी जो 17 और 23, 29 है वो अलग अलग संख्या है। अब हम निकालेंगे एल सी एम। ठीक है, एल सी एम 17, 23, 29। ठीक है, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 17, 23 और 29 को गुणा कर लेंगे। 23 गुणे 17 गुणे 29। ठीक है, यहाँ पे बराबर का चिन्ह रहेगा, तो हम टोटल को गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 23 गुणे 17 गुणे 29 बराबर 23 गुणे 17 गुणे 29 यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए 11,339 इसका आंसर होगा। ये बहुत ही आसान सवाल है, आप एग्जाम में आसानी से बता सकते हैं, बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।